हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में यहाँ पर हम दो तीन वीडियोस हमारी तरफ से यहाँ पर बनाई गई थी तो यहाँ पर सुगर की बात करें यहाँ पर आ, यहाँ पर ब्रेकआउट ये शेयर बट कोई इशू नहीं है पर मोस्टली शेयर की बात करें तो देखिए गिरते हुए नजर आए थे और यहाँ पर तो मैंने आपको बता भी दिया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हाइकल में भी यहाँ पर गिरावट है बट ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है याद रखिएगा तो यहाँ पर इस वीडियो में क्या बात करने वाले इस वीडियो में बात करने वाले रिजल्ट रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं ओके काफी बेहतरीन अगर हम आज की डेट में देखें तो ये सारी कंपनीज के जो यहाँ थर्टीन अक्टूबर दे रखा है इतनी कंपनी के या पर रिजल्ट है एक बार जाके आप देखिएगा बट फिर भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे और मेनली हम आई कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो बिफोर द वीडियो में हम आगे बढ़े और जाने बट इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे और आपको बता दिया जाए कि एग्जैक्टली exactly मार्केट में चल क्या रहे तो इसे हमें जितना भी हो सके उतना सपोर्ट करिए बाकी हमारी कोई पर्सनल सर्विसेज आपसे को चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का हमें व्हाट्सएप करिए पिंक करिए आपको हमारी तरफ से जानकारी दे दी जाएगी चलो तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानकारी लेते हैं तो सबसे तो पहले हम रिजल्ट देखेंगे किसके तो यहाँ पर इन्फोसिस इन्फोसिस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंपनी के रिजल्ट आए और यहाँ पर देखिए तो ये कंसोलिटेट रिजल्ट है इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के रिजल्ट है इस सेम क्वार्टर के तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा की टोटल इनकम जो होती हुई दिखाई दी है वो तीस हजार एक सौ छब्बीस करोड़ रुपए की होती हुई दिखाई दी है इससे पहले अट्ठाईस हजार पांच सौ अठारह इससे पहले पच्चीस हजार एक सौ चालीस तो अगर एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस करोड़ के एक्सपेंस हुए है इससे पहले इक्कीस हजार तीन सौ बयालीस करोड़ था इससे पहले अठारह हजार तीन सौ नब्बे तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे तो अगर हम और भी चीजों की बात करते हैं टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है तो कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट वो दीरियड पाँच हजार चार सौ अट्ठाईस करोड़ इससे पहले पाँच हजार दो सौ एक इससे पहले चार हजार आठ सौ अट्ठावन तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की अच्छी खासी जंप है और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छी कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके दिया है जो कि हमें ईपीएस से ही पता चलेगा ईपीएस देखिए बारह रुपये अट्ठासी पैसे इससे पहले बारह रुपये चौबीस पैसे इससे पहले ग्यारह रुपये बयालीस पैसे तो देखिए यहाँ पर ईपीएस में भी जंप है यहाँ पर और इसकी हम बात करें कितने रुपए का डिविडेंड दिया है तो आपको ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर पंद्रह रुपए का फिफ्टीन रुपीज का डिविडेंड तो दे, दे मिल जाएगा तो आपको अभी इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो आप यहाँ पर देखिएगा कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे अगर हम बात करते हम ट्रेडिंग व्यू निकाल लेते हैं और साथ साथ बातें भी करते जाते हैं तो एक हमारा आइडिया लग जाएगा तो अगर हम यहाँ पर इसे ले लेते एक बार एक मिनट दीजिएगा आप मुझे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे तो देखिए टीसीएस टीसीएस के जब रिजल्ट आए थे ओके okay, रिजल्ट आने पर क्या हुआ था कि वो स्ट्रीट uh, की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया था दिस इज द रीजन कि यहां पर अगले दिन टीसीएस की अगर हम बात करें तो 6 परसेंट से ज्यादा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था देखिए शेयर यहां पर अभी भी फिफ्टी डीएमए के आसपास चल रहा है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर कोई यहाँ पर खरीदना चाहता है खरीद सकता है रिजल्ट बेहतरीन थे बट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया था इसलिए गिर गया बट अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस ने स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर बीट किया है और फिफ्टी डीएमए के आसपास यहां पर शेयर ट्रेड कर रहा है तो अगर किसी को यहां पर लेना है तो ले सकता है ओके आ, आ, थोड़े बहुत टाइम में ओके okay, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर यहाँ पर जो ये रैली चली थी थे थर्टीन हंड्रेड से वो एक अनएक्सपेक्टेड रैली थी और बेहतरीन पर रैली एक साथ होती हुई दिखाई दी तो थोड़ा कंसोलिडेशन आईटी के स्टॉक्स कर रहे हैं उसके बाद जब भागेंगे तो यही शेयर भागते हुए नजर आएंगे अच्छे खासी आर अच्छे खासे, खासे, खासे यहाँ पर अगर बात करें फिफ्टी डीएमए पे शेयर चल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाकी आपकी मर्जी है बात करते हैं दूसरी एक और कंपनी की तो हम यहाँ पर बात करते हैं विप्रो की तो विप्रो के भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए विप्रो अगर हम बात करें कंसोलिडेट रिजल्ट है मिलियन इन मिलियन इन रुपीस में टोटल इनकम की बात करें पांच हजार सैंतालीस से पहले पांच हजार सात सौ uh, अस्सी के आसपास और पांच हजार पांच सौ सैंतालीस uh, अदर यहां पर अगर हम बात करें ये अदर इनकम सॉरी यहां पर हम बात देखते हैं टोटल इनकम तो दो लाख एक हजार सात सौ छत्तीस मिलियन से रूपीज का यहाँ पर क्या हुआ है इस बार का रेवेन्यू हुआ है टोटल इनकम हुई है इससे पहले एक लाख नब्बे हज़ार था इससे पहले एक लाख छप्पन छो, हजार था ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर टोटल इनकम में यहाँ पर जंप है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और हम एक्सपेंसिस देखते हैं तो एक्सपेंसिव एक लाख चौसठ हजार इससे पहले एक लाख इक्यावन हज़ार इससे पहले एक लाख चौबीस हज़ार तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और हम रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है बट अगर हम टैक्स यहाँ पर पे कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उनतीस हजार तीन सौ छह ले से पहले बत्तीस हजार चार तो अगर हम देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर प्रॉफिट यहां पर अच्छा खासा जम्प दिखाया है यहाँ पर बाई ऑन बाय बेसिस पे बट अगर हम बात करें क्वार्टरली की ओम क्यू बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है तो यहाँ पर गिरावट है तो क्या हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए शेयर को या क्या करना चाहिए उस हम बातें करेंगे बट यहां पर देखें ईपीएस तो ईयरली बेसिस बढ़ रहा है क्वार्टरली बेसिस रिजल्ट बट अगर मैं आपको कुछ चीज और दिखाना चाहूं यहां पर अगर मैं स्टैंड लोन रिजल्ट दिखाऊंगा आएंगे और पीरियड देखेंगे, देखें दे तो देखेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर देखिये तेईस हजार आठ सौ चौहत्तर इससे पहले अठारह हजार इकतालीस से पहले बाईस हजार चार सौ चालीस तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट यहां पर जनरेट किया है किसम यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये

विप्रो लिमिटेड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आज के दिन में भी अच्छा खासा दो परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया फिफ्टी डीएम इसके यहाँ पर मूव देना शुरू कर दिया है शेयर ने और यह शेयर दूसरे शेयरों से ज्यादा भाग भाग रहा है तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और इसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट ये कंपनी अब ऐसे मोड पर आ गई है शायद आपको आगे चल के बोनस या स्प्लिट देती हुई नजर आ सकती है तो थोड़ा इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्फोसिस की भी अगर बात करें यहाँ पर देखिए पैट वगैरह सब राइज हुआ है तो यहाँ पर देख विच ऑल्सो मैनेज टू बीट इसीट एस्टिमेट अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट पर एक और कंपनी कंपनी है माइंट्री माइंट्री की अगर हम बात करें कंसोलिडेट तो नंबर आपके सामने है ये इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के क्वार्टर के अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिवेन्यू टोटल तो तो इनकम की बात छब्बीस यहाँ पर ये मिलियंस इन रुपीज में नंबर है छब्बीस हजार छह सौ दस इससे पहले तेईस हजार छह सौ पैंतीस इससे पहले उन्नीस हजार पांच सौ पांच तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करें टोटल इनकम यहाँ पर जंप है अच्छी खासी टोटल एक्सपेंस की बात करें तो देखिए इक्कीस हजार दो सौ नब्बे इससे पहले अठारह हजार नौ सौ इससे पहले सोलह हजार तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और ये हमारा प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर देख पांच हजार तीन सौ बीस छियालीस सौ इससे पहले चौतीस सौ सैतालीस लैस रुपी मिलियनस रुपीज का प्रॉफिट तो अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की टैक्स एंड ऑल देने के बाद तो तीन 3990 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सॉरी मिलियन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है इस तरह तीन से पहले दो हजार पांच सौ सहत, uh, सैंतीस तो ईयरली एज वे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है पर कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है नेट प्रॉफिट में और जो कि ईपीएस में भी लगता है जो पहले बीस का लास्ट क्वार्टर था वो अभी चौबीस का ईपीएस हो गया जो एक साल पहले पंद्रह का था वो चौबीस हो गया है तो यहाँ पर ईपीएस में भी जंप है तो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर दे नहीं रखा है पर न्यूज में आया नहीं है बट अगर आपको यहाँ पर

रहेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती है मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है थोड़ी सी भी गिरावट होती है इन शेयरों की तरफ नजर बनाइएगा ये शेयर ही है जो आपके पैसों को यहाँ पर एक तो सेफली और अच्छे तरीके से यहाँ पर भागते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा कौन से शेयर आपको यहाँ पर अभी खरीदना चाहिए देखिए ये लार्ज कैप कंपनी है तो इतना नहीं भागती है बट ऐसी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है जिनके रिजल्ट बेहतरीन आते हैं जो कि अच्छा खासा यहाँ पर मूव देती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है यहां पर मैं उसका लिंक दे दूंगा ओके आई बटन पर तो आई बटन पे आप यहाँ पर आप यहाँ पर जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली exactly आपको किस कंपनी में स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी टाइम से वो कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उन कंपनी में बना हुआ हूँ तो इन कंपनी के पे भी ध्यान दीजिए